गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम लोकमान्य तिलक स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ सेविंग बिहेवियर स्टार्टेड चैप्टर नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित पॉइंट चल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित पॉइंट में आप लोगों को कुछ बातें समझाई गई हैं, जैसे डियर स्टूडेंट्स, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, पी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, इसी से आप लोगों के तीन फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो तीन फॉर्मूले रहेंगे, जैसे पहला फॉर्मूला तो यही हो जाता है, जो दूसरा फॉर्मूला है आप 100 का इंटू 100 में करेंगे, 100 का इंटू SI में करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी। यहाँ से प्रिंसिपल भी निकाला जा सकता है, तो प्रिंसिपल पी का मान कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ये पहला पॉइंट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों का रेट परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। थर्ड पॉइंट में जब हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का इंटू 100 में करते हैं, तो यहाँ पर रेट परसेंटेज निकालने के लिए क्या काम करेंगे, यानी कि आर का जो वैल्यू रहेगी वो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे क्या हो जाएगी, पी इंटू टी हो जाती है। डियर स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो थर्ड पॉइंट में टाइम, तो टी बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे पी इंटू आर। तो इस तरीके से हम टाइम निकाल देते हैं। बच्चों, ये जो है आप लोगों के चार फॉर्मूले हो जाते हैं, और इन चार फॉर्मूलों की मदद से आप लोगों की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 9F है ये सॉल्व होती है। तो आइए सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का प्रिंसिपल दे रखा है 600 रुपीज, प्रिंसिपल है 600 रुपीज, इसमें आप लोगों का रेट दे रखा है 8% और टाइमिंग दे रखा है 2 ईयर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ये एक्सरसाइज 9F है, ये एक्सरसाइज 9F है, इसमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी की वैल्यू कितनी है, 600, इंटू आर की वैल्यू 8%, टाइमिंग है 2 ईयर, 2 ईयर्स टाइमिंग है आप लोगों की, अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा 616। बच्चों, अब इसमें 16 की हम इंटू कर देंगे तो 96 आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा। आप लोग समझ पाए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा नेक्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज 9F का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट किस तरीके से है आपसे पूछा गया है। इसमें प्रिंसिपल किसने दे रखा है, 750 रुपीज़, और इसमें जो है रेट परसेंट आर का जो मान दे रखा है 9%, और टाइमिंग दे रखा है 5 ईयर। डियर स्टूडेंट, टाइमिंग कितने ईयर्स दे रखा है, 5 ईयर्स। तो इसमें क्या निकालना है आप लोगों को, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। आप सिंपल इंटरेस्ट को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे जब सॉल्व करेंगे इसको,
तो पी की वैल्यू कितनी, 750 इंटू आर 9, ये 5/100। आप लोग समझ रहे हैं, 25 25 से और जा 25 थ्री जा 30 बार। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जा 4, ये 15 बार। तो आगे 15 का इंटू 5, 75 इंटू 9/2। 9 का इंटू 75 में करेंगे, 9/5 जा 45, कैरी कितना हो गया 4। 9/5 जो 45 होते हैं, 5 यहाँ पर आएगा, कैरी कितना हो गया 4। 9/7 जा 63, 63 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 67/2। बच्चों 2 यहाँ पर बचा हुआ था, अभी इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 337.5 रुपीज, इतना आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं, आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल 850 रुपीज, रेट 1.5% और टाइमिंग दे रखा है 1.3 ईयर। बच्चों यहाँ से फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी का मान 850 इंटू रेट 1.5 इंटू ईयर 1.3/100। इसको पॉइंट हटाया और सिंपल इंटरेस्ट निकालना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से जो टाइमिंग दे रखा है वो पर ईयर है और जो रेट दे रखा है वो पर मंथ है, ये पर मंथ का रेट है डियर स्टूडेंट, पर ईयर नहीं है, ये पर मंथ है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इसका सॉल्यूशन करने से पहले 1.5 का इंटू किस में कर देंगे, 1.2 में, सॉरी 12 में कर देंगे, पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। जब इंटू करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 आप लोगों का आ जाएगा, तो 18%। अब यहाँ से अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 150। इसका रेट परसेंटेज कितना हो जाता, 18% इंटू टाइमिंग कितना है 1.3/100। रेस्टोरेंट पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हम 10 से 10 ये काट लेते हैं और अब इसके बाद 2 9 जा 2 5 जा 50 हो जाएगा। तो हम 85 इंटू 9 इंटू 30/50, इतनी हम कैलकुलेशन करने के पश्चात जो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे जो आंसर आएगा इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे सीखते हैं कुछ क्वेश्चन और। जैसे डियर स्टूडेंट आप लोगों के और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कल रहेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।